भैया काट रहे हैं यहाँ पे काले मूछ वाले। देखो मम्मी भी आ गई है पानी लेके, ताई भी आ चुकी है ऊपर चाय। आदमी तो छोड़ो छोड़ो, साथ में ये दोनों भी बैठे हुए देखो। हनी सिंह वाला स्टाइल कर दिया, कांटे और झाड़ियाँ थे और टाइगर। हर हर महादेव। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का जो हमारा काम है, हम जा रहे हैं अभी अपने प्लॉट में, जहाँ की आज सफाई का काम करेंगे। तो प्लॉट में सफाई से मतलब है कि प्लॉट में जितने भी जो कांटे और झाड़ी वगैरह जितने भी है, तो वो सब की कटिंग होगी। क्योंकि इसके बाद ना थोड़ा थोड़ा जब गर्मी बढ़ने लग जाएगी तो घास जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये गाय भैंसों के लिए सूखा चारा होता है, जो काटते हैं फिर उसको वहीं वहीं पर लगाते हैं। खुम बोलते हैं ना, ऐसे पहाड़ी में खुम लगाते हैं, गाजे वाला घास बोलते हैं इसको। अगर कांटे वाटे नहीं काटेंगे ना उनका प्लॉट का, तो जैसे औरतें काटती है घास फटा बहुत फटाफट काटती हो, तो फटाफट काटते काटते उन कांटे उनके हाथ पे लग जाएंगे, चुभ जाएंगे। तो इसलिए भी काटते हैं। अभी मैं भी पहुंच गया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है ये चीज़। ये दोनों भी पहले आ गए थे मुझसे, अभी आ रहे मिलने चंगू मंगू। तो ये रहे, जितनी भी आपको दिख रही है ये सब यहाँ होता है घास पूरा से लेकर उधर सामने और उधर भी आगे। तीन जो है उनको बुला रखा है, हमारे गांव के हैं, तो तीन ही हो गए, बाकी मैं भैया ताऊ जी मम्मी ताई और सभी लोग हैं। जल्दी हो जाएगा काम दिन तक। तो हमको मिला है पेड़ काटने वाला काम। हाँ जी, टाइगर के साथ नहीं खेल रहा है, पता नहीं क्यों। टाइगर तो अपने को पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है, और ये आज हमारे साथ ही बैठा है। ओए टाइगर, बुला तेरे को, जा जा, क्यों क्यों क्यों, टाइगर बुला तेरे को, जा जा। टाइगर उधर बैठा है, वो वहाँ पे ना चोटी है, वहाँ पर से सब जगह देख रहा हूँ, नीचे ऊपर दाएँ बाएँ। और इसको तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, बच्चा ही हुआ है अभी, एक साल का है ब्रूनो हमारा। टाइगर को हो गए हैं 2-2.5 साल। टाइगर भी आ गया हो, देखो टाइगर भी एक आवाज़ में आ जाता है, आ जा ए आ इधर। एक पेड़ हमने काट दिया, अब इसको काट रहे हैं, ये कोई यूज़ नहीं है इन पेड़ों का। तो आ जा, घास वास भी मर जाते हैं पेड़ के नीचे, तो उस वजह से भी छटनी करनी पड़ती है। टाइगर का नाम सुन के ही भी आ गया, देखो ये बोलता है टाइगर को मत करो प्यार, मेरे को करो। तेरे को मिला नहीं कुछ है, बता मिला नहीं तेरे को? आ जा, मिला नहीं तेरे को कुछ? अब पूर्ण खेला खेल, जा गो। उसको लेना नीचे से, लाना उसको पकड़ दो, देखो हाँ हाँ लाला सबस, हाँ सबस है लाला, लाला बेटा ला गुड बहुत। अरे वेरी गुड, लिया शाबाश, आए दला अब नहीं लाएगा। देखो बोला बार बार ये मेरे को भगा दे रहा है, अब नहीं लाएगा। नानी भी बैठी है वहाँ पे, देखो सफ़ेद सफ़ेद हल्का दिख रहा ना, वो नानी है, और वहीं पे टाइगर भी है, वो भी हमारे भैया काट रहे हैं यहाँ पे, और ताऊ जी चढ़े हैं देखो पेड़ में। हमारे ताऊ जी मतलब काफ़ी यंग है, मतलब आर्मी वाले भी हैं, वो एक्स आर्मी वाले, खून में अभी भी वो है उनके गर्मी। ताऊ जी ओ ताऊ, ये देखो दिया, ये देखो ये फिर ये मूछ वाले काले मूछ वाले, देखो इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप कुछ नहीं छोड़ा ताऊ जी ने इसके। हमारे ताऊ जी किंग है फेसबुक के, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, नाती नतनों वाले हैं लगा लो। बड़ा भी ताऊ जी मतलब कह सकते हैं आप, काफ़ी कतई जहर एकदम। ब्रूनो भी अब नीचे आ गया है, तेरे को एकदम चैन नहीं मिल रहा भाई। और सामने से मम्मी भी आ गई है पानी लेके, टाइगर भी साथ में आ रहे हैं। मम्मी अभी दे रही है जिसने हमारे दराती कारी है उनको गाली। ये
पागल। इधर को हमने अभी 2-3 पेड़ काट लिए हैं, अब उधर जाना हमने इधर वाले गधेरे में, यहाँ वाले गधेरे में यहाँ लगे हुए हैं वो लोग। देखो जितने भी ये कांटे के पेड़ थे ना, ये सब काट दिए हैं और ये जमा करते हैं यहाँ पे, तो बाद में इसको जला देंगे। अब सुनो, क्या लेके गया तू? ये तो ताई भी आ चुकी है ऊपर चाय वगैरह लेके। इधर साइड सब कुछ जो सब कांटे और झाड़ियाँ थे सब काट दिए हैं और इधर ढेर लगा दिया वहाँ पे, और बाकी ये पेड़ अभी इनकी छटनी करनी बाकी है। तो छटनी का काम इन सभी का है, औरतों का। और हम जा रहे हैं अभी चाय पीने के लिए, यहाँ पे बैठे हैं हमारी नानी। ओ नानी, यस कर, यस कर। हाँ, टाइगर हमने रखा है आज नानी का ग्वाला, तो टाइगर नानी को छोड़ नहीं रहा है आज। अरे हमारे ताई लाई है चाय लेके आई हूँ, ये चाय बिस्कुट अपने जई बच्चे सुबह से पेड़ काट रहे हैं, सुबह से पेड़ काट रहे हैं। चाय लेके आई, बंदर भी बहुत आए हैं बाड़े में। मैंने कहा चाय दे के आती हूँ फिर आ जाती हूँ। बहुत बड़े क्या आपने, बहुत बड़े। हाँ हम भी तो आने वाले हैं। हाँ हम पहले से ज़्यादा साफ लग रहा ना वहाँ तक। ये दोनों ही बैठे हैं लाइन से एकदम। सभी लोग थक गए हैं और चाय पीने के लिए सभी लोग बैठे हुए हैं। ये देखो आदमी तो छोड़ो छोड़ो, साथ में ये दोनों भी बैठे हुए हैं। देखो अब इनका क्या मतलब है ऐसे बैठने का, एक तो सो गया वहाँ। अरे थक गया तू? और ये चाय पीने के लिए बैठे हैं दोनों के दोनों। अभी मिलेगी तुमको चाय, ठीक है? अब हम लेते हैं चाय का मजा। ये देखो हमारी प्यारी सी चाय, हमारे दोनों भी देखे हैं। कौन सा बिस्कुट खाओगे तुम दोनों? टाइगर ब्रूनो, कौन सा वाला? नो नो मेरे वतन की। अब इसने वहाँ आवाज सुन ली, अब इसको उतावला हो गया है कौन है वहाँ। जा काट, छू काट पकड़, यू यू यू। इसको कोई मतलब नहीं है, इसको खाने के से मतलब है ब्रूनो को, बाकी कुछ नहीं है। तो नीचे अभी ये लोग भी चाय वाय पी रहे हैं, देखो। और नानी ऊपर बैठी है, नानी भी इधर से उधर इधर से उधर। तो मेरी नानी की एज अभी 90 क्रॉस होगी। अभी भी देखे एकदम फिट, बढ़िया फर्स्ट क्लास इनका। यो हनी सिंह, हमारी नानी अभी यो हनी सिंह वाला स्टाइल कर दे रहे हम, मफिया मुंडिर पेश कर देने। हैं करके मैं फेर कर रहे ना, हम वहाँ कद्दी का ले आगे नहीं बुझ जाए, ये आगे नहीं बुझना, हमें दुकान बुझने। जब बंदूक चलो सिखा दी। हाँ शिकन आपको उनको कारगिल वाले युद्ध में कहा हमें ये करो कहकर, जब सबके हाथ में बंदूक दी थी। हमें से गाँव में ये आगे नहीं बुझ दे, ये आगे नहीं गाँव में पहले कारगिल में गाँव वाले ज़्यादातर जो बॉर्डर एरिया से नानी वो खुशी खान जी या तो थोड़े ना वहाँ जो बॉर्डर एरिया ज़्यादातर हिमालय साइड है, तो उन जगह में सिखाते थे जिस टाइम पे कारगिल युद्ध हुआ था। उस टाइम में गांव की औरतों को भी और सबको ही बंदूक चलाना सिखा रहे थे जो आर्मी वाले हैं। तो वही बात लगा नानी की, उस टाइम पे बंदूक चलाने के लिए बोलते थे ना, एक हाँ आँख ऐसे बंद करो फिर चलाओ, तो नानी बोलते मैंने दोनों आँख बंद कर दिए थे, तो उसने मेरे को शाबाश बोला ऐसा करके। अभी हम जा रहे हैं इधर साइड को, इधर जंगल की तरफ। तो आज मौसम का हाल कुछ ऐसा है कि एकदम बादल लग गए हैं। सुबह से तो मौसम साफ ही था, मैं जब धूप नहीं आई थी तो साफ था, और अभी देखो बादल लग गए हैं पूरे। आज और कल बारिश बता रखी है, आज तो उतनी नहीं है बस कल बारिश बता रखी है। इतना खतरनाक जगह है यहाँ पे, तो अभी हमको ये वाला बांज का पेड़ लगाना है घर,
शाम को आग वाग लाते ना गेटी में, वह तो अब गर्मी होने लग गई है सुबह शाम भी, पर यह है कि जब तक नानी है तो तब तक जलानी पड़ती है, थोड़ी देर नानी और सब बैठते हैं तो उसके लिए चाहिए, तो इतने से हो जाएगा वैसे, पर थोड़ा रिस्की जोन है नीचे, काफ़ी नीचे फिर नीचे गधेरा ही है, इसलिए इसको पहले बांध देते हैं हम, और फिर बांध के यहाँ पे पोल पे इसको बांध देंगे, इस वजह से ये नीचे जा नहीं पाएगा हम काटेंगे तो वरना ये यहाँ से नीचे चला जाएगा। खाई एकदम खाई अच्छी है, अभी यहाँ से घास से ना दिख नहीं रहा, पर खारी खाई है नीचे पूरा ने? अच्छा है ना, गर्म होने बढ़ ज़्यादा है, मम्मी लोग नीचे लगे हुए हैं। इमाम चलना था ओ कितना घर को, रुनो टाइगर भी ताऊ के साथ चले गए हैं क्योंकि वहाँ आ रखे हैं बहुत सारे बंदर, तो उनको भगाने गए हैं हम, उनको नहलाना भी है अभी थोड़ी देर में। घर हम लोग पहुँच चुके हैं, हमारा नंबर है ब्रूनो और टाइगर के नहाने का, तो नाइट है नहीं, ब्रूनो तो यहीं है पर टाइगर भी आएगा। ब्रूनो को काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी हुई है तो इसका एक बड़ा सा बर्तन था वही देख रहा हूँ मैं, फिर देखना कैसे पानी पीता हुआ, अभी देखना रुक 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 अभी देखना, अरे इधर फेंक रखा ना किसी ने नीचे, ये रहा जहाँ अभी तक पानी, ठीक है अभी रुको रुक जा, हाँ फिर आएगा आए अभी देखना, हाँ आ जा चल पी पानी पी, अब देखना है हाँ, इतना गंदा हो गया आ रखा है पता नहीं अभी कहाँ से, फिर बिस्तर में भी चढ़ जाते ना इसलिए नहाना तो ज़रूरी है इन लोगों को, और इतने सारे फूल भी लगा रखे हैं हमने, अभी तो अभी हुए नहीं है, जब होंगे तो सही लगेंगे। तो ये जो हमारी रोड है ये है नेशनल हाईवे NH 109, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे। तो अब नहलाते हैं पहले ब्रूनो को फिर टाइगर को फिर मेरा नंबर लास्ट में, तो फिर ब्रूनो को नहलाते हैं। और टाइगर भी आ चुका है उधर से, अब टाइगर का नंबर है नहाने का, है इसका नंबर, तैयार हो अब नहाने के लिए, अरे ओ पीने दो। तो टाइगर को नहाते काफ़ी ठंडा हो गया, एकदम मौसम एकदम बंद हो गया है, तो आज मैंने सोचा था अभी बारिश धूप आएगी, थोड़ा धूप आई गई थी बट अभी तो पूरा बंद ही हो गया है, लगता है कि जैसे बारिश आने वाली होगी, और टाइगर को भी ठंडा लग गया है तो इसलिए हम फटाफट नहला देते टाइगर को, रुक जा टाइगर। तो यहीं पे अब हम अपने ब्लॉग का को समाप्त करते हैं, सभी को नमस्कार।